9th November 2020 करंट अफेयर्स। 9th November 2020 करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर हमारे अटर्नी जनरल बारे है। सबसे पहले इंडिया के अटर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ये आपको स्टेट सर्विसेज में आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया के अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। आंसर होगा के वेणुगोपाल। तो बेसिकली आपके कुछ टाइम पहले ना आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक लेटर लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को करप्शन के मामले में कहा था कि ये जज करप्ट है, ठीक है, NM रमन इन जज के खिलाफ लेटर लिखी थी। तो आपके अटर्नी जनरल ने रिकमेंड किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा सकती है, बिकॉज एक सिटिंग जज की सी ऐसा नहीं है कि तुम सिटिंग जज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, पर जब भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी मतलब कोर्ट की, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के ऊपर कोई इल्जाम लगाना या किसी भी उसके ऑफिसर यानी कि जज या कोई भी उसके अंडर जो काम कर रहा है उसके ऊपर इल्जाम लगाना है, आपको प्रूफ चाहिए। सिर्फ एक लेटर लिखने से कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सबूत चाहिए कि वो एक्चुअली करप्ट है। तो इस कारण कंटेम्प्ट लग सकता है उनके ऊपर, वो अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल के लिए हमारे करंट अफेयर के लिए सबसे पहले अटर्नी जनरल कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का इन्हें प्राइमरी लॉयर माना जाता है, ठीक है। इन्हें गवर्नमेंट की साइड से देखो कोई भी केस लड़ना होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड है, उसमें अटर्नी जनरल अपियर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। अगर अटर्नी जनरल बिजी है तो अटर्नी जनरल की हेल्प के लिए सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं चार, वो उनमें से कोई एक जाना जाके केस लड़ सकता है, पर इनका हेड अटर्नी जनरल होता है। अगर वो फ्री है तो वही जाएगा, नहीं तो सोलिसिटर जनरल जाएंगे, ठीक है। बाकी इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे, ठीक है। और ये होल्ड भी अपना, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, नो फिक्स टेन्योर। ये अपना टेन्योर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ही करते हैं, जब तक मतलब प्रेसिडेंट चाहेगा ये तब तक ऑफिस में है। जिस दिन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आप क्विट कर दो, इन्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ये वही बंदा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है जो क्वालिफाइड है एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए, यानी कि वो हाई कोर्ट का जज या 5 साल तक रहा हो या वो 10 साल मतलब 5 साल से ज्यादा वो हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 साल से ज्यादा वो एडवोकेट रहा हो एटलीस्ट हाई कोर्ट के लेवल पे, वो बंदा। और तीसरा कोई एमिनेंट जूरिस्ट प्रेजिडेंट की नजर में। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के क्राइटेरियाज भी हमने यहीं पे लर्न कर लिए, उसके साथ साथ हमें अटर्नी जनरल के भी सेम क्राइटेरिया सीख है, तो इसे ऐसे याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट इज बस इसकी यही लिखा हुआ है कि वो किसी भी फिर कोर्ट में ऑडियंस का राइट होल्ड करता है, वो इनफैक्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी बैठ सकता है और वहां पे कोई बोलना चाहे वो भी बोल सकता है, बस वोट नहीं डाल सकता। देखो आपके MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास दो पावर है, एक तो वो कुछ भी हाउस के अंदर बोल सकते हैं, दूसरा वो वोट डाल सकते हैं कोई भी रेजोल्यूशन होगा। इसे एक पावर मिली हुई है, वो कौन सी, कि ये कुछ भी बोल सकता है और वहां बैठ के पूरी मीटिंग सुन सकता है, पर ये वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो बस ये आगे वही चीजों को फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा हाँ एक चीज और, अटर्नी जनरल को कभी भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता, इसीलिए उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर बैन नहीं है, नहीं तो सारी सरकारी नौकरियों में तुम प्राइवेट कोई काम नहीं कर सकते होते, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमेशा
आपका जो अटर्नी जनरल होता है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रख सकता है। बस एक तो वो, उसके ऊपर बस कुछ कंडीशंस है कि एक तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं अपीयर हो सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही लॉयर है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं अपीयर हो सकता। गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को एडवाइस भी नहीं दे सकता केस में, ठीक है। और तीसरी चीज, कोई भी अब वो केस लड़ेगा ना, लेट्स सपोज वो क्रिमिनल केस लड़ रहा है, वो क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड की साइड से केस नहीं लड़ सकता। वो कैन नॉट डिफेंड दी एक्यूज्ड, वो सिर्फ जो विक्टिम की साइड है उसे डिफेंड कर सकता है क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में कोई रोक नहीं है, क्रिमिनल केसेस में वो एक्यूज को नहीं डिफेंड कर सकता। और अगर लेट्स सपोज कई कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े वकीलों को ना अपने वहां पे डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर की पोस्ट दे देती हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, तो ये बंदा बिना मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, पर इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, फिर जाके ये डायरेक्टरशिप ऑफ कंपनी एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? होता है कि तुमने जानबूझ के कोर्ट की या तो इंसल्ट की है, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड द कोर्ट, या तुमने उसका कोई ऑर्डर मानने को मना कर दिया, डिफाई दी अथॉरिटी, कि उसने कोई लेट्स सपोज किसी पर्सन को सरेंडर करने को बोला था कि इस दिन सरेंडर कर देना, और वो बंदा मना कर दे कि मैं नहीं करता सरेंडर, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेट सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसे बोला था कि ये रोड इस दिन तक बन जानी चाहिए, वो बंदा नहीं बनाता, मतलब शुरू भी नहीं करता, ठीक है। चलो कई होता है कि कई काम बीच में रुक जाते हैं, वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि ये काम थोड़ा डिले हो जाएगा पर हो जाएगा, पर एक है जिसने मना ही कर दिया ये हो ही नहीं सकता, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। तो यहां तो तुम कोर्ट की वैसे डिसरिस्पेक्ट करोगे, कोर्ट करप्ट है या इसके वकील करप्ट है, या जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उसे डिफाई करो, ये दोनों टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं। इनके लिए चार्जेस भी अलग अलग लगते हैं, एक सिविल चार्ज है, एक क्रिमिनल चार्ज है। सिविल चार्ज तब लगता है जब तुम बात मानने से मना कर देते हो, कोई ऑर्डर था आपके कोर्ट का, उसे बस मानने को मना कर दिया, उस ऑर्डर को फुलफिल करने को मना कर दिया, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल फाइन या ऐसी कोई चीज लग सकती है, मतलब फाइन लग जाएगा, ठीक है, तो इसे सिविल कहते हैं। क्रिमिनल तब होता है जब तुम कोर्ट की इंसल्ट करते हो, अपने वर्ड्स हो सकते हैं, कोई साइन हो सकता है, कुछ भी तरीके से तुमने आपके जो कोर्ट है उसकी डिग्निटी, उसे स्कैंडलाइज किया, यानी कि उसकी डिग्निटी को नीचे किया, मतलब कोर्ट की इंसल्ट की है बिना किसी सबूत के, ठीक है, तो उसे ये बोला जाता है। सुप्रीम हाँ जी। कोर्ट दे जो जिहड़ियां जो सबोर्डिनेट कोर्ट्स ने अगर ओ भी नहीं ओदा ऑर्डर मान गया तो ओ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मन्ने जाएगा या फिर कोई होर बंदे जिदा कोर्ट्स नु नहीं इच कोर्ट्स तो अलावा वाला सारा देखा जाएगा। नहीं, वो भी कंटेम्प्ट, कोई भी, वो तो वैसे भी नहीं बात टाल सकते ना, वो तो वैसे भी बाइंडेड है, लोअर कोर्ट्स तो वैसे बाइंडेड है, उनके अगेंस्ट तो क्या कहते हैं, उनकी ड्यूटी का ही एक्शन हो जाएगा, उन्हें निकालने की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हाँ जी सर। है, ठीक है। बाकियों को चलो नौकरी से निकाल सकते हैं, पर सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर सकते हैं। कोर्ट के लोअर कोर्ट्स नहीं बात मानेंगे तो उनके खिलाफ तो वैसे ही वो तो बाइंडेड ही है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जुरिसडिक्शंस है तो उसके अंडर तो वैसे बाइंडेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है कोई जज, अगर मानने को मना कर दे वो जज को, फिर नौकरी से निकालने की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, पर वो गवर्नमेंट निकालती होती है। सीजे बस रिकमेंड कर सकता है सरकार को कि इसे निकाल दो, और अपने अंदर मतलब कोर्ट अपने अंदर ही ऐसे जजेस के अगेंस्ट हमेशा डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, उसे किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। हुआ है ऐसा हिस्ट्री में कई बारी कि जजेस ने आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगाए, तो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर लिए गए हैं, जैसे कभी ट्रांसफर जज की कर दी गई, कभी कुछ,
तो ऐसे हैरास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमूवल का प्रोसेस बहुत ही लंबा है और श्योरिटी नहीं देता कि शायद जज रिमूव हो या ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो अभी सरकार ने बेसिकली आपके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल लिया, मतलब ये फाइनल नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट है। इसके अंदर 6 states, टोटल करके 6 states के अंदर 56,825 स्क्वायर किलोमीटर को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मार्क किया जा रहा है, जो मतलब वेस्टर्न घाट्स का एरिया पड़ेगा। ये एरिया एक्चुअली आपके वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? देखो, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग टाइप के जानवर, उनकी अलग अलग सब स्पीशीज। हर साल जितनी भी हमें नई स्पीशीज इंडिया में मिलती है ना, उसमें से 30-40% सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में से मिलती है। तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। तो ये मुद्दा जो है इन्हें कंजर्व करने का, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इसे मतलब शुरुआत हुए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। गैडगिल कमिटी सबसे पहले बनाई गई थी इसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए कि कितना एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बनाया जाए। गैडगिल एरिया ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी की थी और अल्टीमेटली 64% ऑफ वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया था कि इसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव बनाना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे बॉडी बनाने की बात की थी, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी, जो ये 6 की 6 states के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हैं इन्हें एक साथ मैनेज करने में हेल्प कर सके, ठीक है। पर लोकल फार्मर्स, सी ओरिजिनली ये जो रिपोर्ट थी ये फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं है। फार्मर्स को ना भड़काया जाता है और लोगों की तरफ से जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उससे जुड़ा होता है। गैडगिल कमेटी ने एक्चुअली जो रोक लगाई थी वो नए डैम्स, माइनिंग, ऐसी चीजों के ऊपर रोक लगाई थी, ठीक है। फार्मिंग जो पहले से चल रही है उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी। पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा था गैडगिल कमेटी का माइनिंग वालों को, जो माइनर्स हैं, ठीक है, खासकर वो जो माफिया का हिस्सा है, मतलब इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। उन्होंने फार्मर्स को भड़का के बहुत प्रेशर बिल्ड किया सरकार के ऊपर कि गैडगिल कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश ना हो पाए। यहाँ पे सारे क्लेम्स, हर चीज ग्राम सभा के थ्रू होनी थी, काफी पावर डिसेंट्रलाइज की जा रही थी, तो ये सारे, ये एक्चुअली फार्मर्स के लिए ज्यादा बेटर था, ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी थी गैडगिल कमेटी। पर फिर सरकार को प्रेशर में झुकना पड़ा, एक नई कमेटी बनानी पड़ी, कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी के ऊपर ऑब्वियसली पहले से प्रेशर था कि मिनिमम बताओ कितना कंजर्व कर सकते हो। तो कस्तूरी रंगन ने 37% वेस्टर्न घाट्स, जो अराउंड 60,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पड़ता है, इसे रिकमेंड किया ये 6 states के थ्रू, ठीक है, सारी 6 states मिला के 37%। तो कहां एक टाइम पे 64% था, वो कम होके सिर्फ 37% रह गया ये 6 states के अंदर। अभी भी मतलब आज जो न्यूज बनी है, ये देखो, ये ना सारी ऐसी ना फेक एनजीओज होती है। एनजीओ फॉर फार्मर्स करके कोई है जिसने सॉरी कोई फार्मर्स की एनजीओ बनाई हुई है केरला में, जिसने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। ये नोटिफिकेशन जो अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है 56,000 किलोमीटर बनाने के लिए, कि इसे भी कैंसिल किया जाए। ये ना ऐसी सारी फेक एनजीओ होती हैं जो किसी और के फ्रंट के तौर पे काम कर रही होती हैं। काम किसी और का होता है, करवा इनके थ्रू रहे होते हैं ताकि डायरेक्टली उनका नाम भी ना आए और सारे काम भी हो जाए। तो बिकॉज इसमें माइनिंग, इलीगल माइनर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, करोड़ों, अरबों करोड़ों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो है सबसे बड़ी पार्टी जो इसे रुकवाना चाहते हैं वेस्टर्न घाट्स को प्रिजर्वेशन से। और फार्मर्स को तो खैर भड़काते ही हैं। फार्मर्स को देखो, ज्यादातर इंडिया में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो फार्मर्स आसानी से बातों में आ जाते हैं, उन्हें कौन सा
पता है कमिटी की रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। उनके जो आसपास लोकल लोग होते हैं उन्हें जो वो बताते हैं वो वही मान लेते हैं। तो इस कारण एजुकेशन जरूरी है हमारी सोसाइटी में, और अवेयरनेस, पढ़े लिखे भी नहीं कई बार पढ़ते। तो अगला है पेरिस एग्रीमेंट। अब जब आपके यूएसए के प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं, देखो यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ना पेरिस एग्रीमेंट, ये ना क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जो दुनिया ने 2015 में, हाँ ये नवंबर दिसंबर के टाइम होती है कॉन्फ्रेंस, 2015 में आपकी पेरिस में सारी कंट्रीज मिली थी और सबने मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर पेरिस में कंट्रीज मिली थी, मॉर्निंग जी, सारी कंट्रीज मिली थी और इन सब ने मिलके पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया था, पेरिस ट्रीटी कह लो या एग्रीमेंट कह लो जैसे मर्जी। तो यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ने पेरिस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए 2016 में, उन्होंने यूएसए को विड्रॉ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो यूएसए ने 2021 में जाके विड्रॉ होना था, पर अब जब बाइडन की सरकार वापस आ रही है तो माना जा रहा है कि यूएसए, एक्चुअली उन्होंने बोल भी दिया है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में फिर से आ जाएंगे, मतलब सॉरी 2020 के एंड में उन्होंने निकल जाना था, 4 साल लगते हैं अगर किसी कमेटी ने, किसी कंट्री ने क्विट करना है पेरिस एग्रीमेंट, वो जब से नोटिफिकेशन देंगे उसके 4 साल लगेंगे तब क्विट करेंगे। तो 2020 के नवंबर में जाके 4 साल हो रहे थे, दिसंबर में जाके। तो जो बाइडन को बिकॉज प्रेसिडेंसी जो मिलनी है वो जनवरी में जाके मिलनी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डेट तक स्पेसिफाई की हुई है, जो मतलब जिसके थ्रू पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर क्विट नहीं भी करता वो कब तक कुर्सी के ऊपर बना रह सकता है। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ना डेट दी हुई है, जो नीचे ये वाला फैक्ट भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं, 20th January, जब भी इलेक्शन होते हैं 20th January आखिरी डेट होती है जब पुराने प्रेसिडेंट को छोड़ के जाना ही जाना पड़ता है और नए प्रेसिडेंट को ओथ उससे पहले देनी पड़ती है। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप 20th January से पहले पहले मान जाए कि हाँ मैं कंसीड करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो 20th January को उन्हें जबरदस्ती भी निकाला जा सकता है व्हाइट हाउस से, क्योंकि अगले प्रेसिडेंट का आने का टाइम हो गया, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेट लिखी हुई है। तो ये आपको स्टेट सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ सकता है 20th January की, कि क्या पहली स्टेटमेंट तो ये सकती है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डेट स्पेसिफाइड है कब न्यू प्रेसिडेंट को ऑफिस संभालना होता है, वो स्टेटमेंट सही है। या आपको ये आ सकता है कि कौन सी डेट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है जब नए प्रेसिडेंट को ऑफिस संभालना होता है, वो ये डेट याद रख के जाना। मतलब अगले प्रेसिडेंट की 2021 पड़ेगी, पर जब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये डेट, साल चेंज होता रहा है, ये डेट सेम रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इससे पहले यूजली वो ओथ ले लेते हैं, क्लियर है। तो पेरिस एग्रीमेंट में ना ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टीज इसकी सिग्नेटरीज हैं सबने ऑलमोस्ट साइन कर दिया है, कुछ को छोड़ के बस सारी की सारी सब साइन सबने कर दिया है, रेटिफाई सबने नहीं किया अभी तक, 189 पार्टीज ने अभी तक रेटिफाई किया। देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो जब ट्रीटी हो रही होती है तब तुम एग्रीमेंट पे साइन करते हो, साइन करने का मतलब है कि हाँ तुम इसे एग्री कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें अपने कंट्री वापस जाके जो हर कंट्री की पार्लियामेंट होती है ना पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होता है कि हाँ वो इसके ऊपर एग्री करते हैं, क्योंकि साइन तो आपको कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर करके आएगा ना, जैसे इंडिया में लेट्स सपोज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन कर दिया, वापस आके इंडिया की पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि हाँ हम इसका हिस्सा बनेंगे, इसे कहते हैं रेटिफाई करना। या जब रेटिफिकेशन हो जाती है तब कंट्री पूरी तरह उस ट्रीटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो पहले साइन करोगे फिर रेटिफाई करोगे।
हाँ जी तो विड्रॉ करने लिए 4 years मिनिमम ने ना, वी 4 साल तक ते मैक्सिमम नहीं कोई टाइम होएगा? नहीं, 4 years मिनिमम टाइम नहीं, मतलब लेट्स सपोज आज कोई कंट्री कहे, आज 2020 में, मतलब साइन हुए तो देख लो 2015 से ये ट्रीटी है, आज कोई कंट्री कहे कि मुझे छोड़ना है पेरिस एग्रीमेंट, तो उसे UNFCCC, ये जो कन्वेंशन का ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, इसे पहले चिट्ठी देनी पड़ेगी कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। वो जब चिट्ठी रिसीव होगी, मेंबरशिप इमिजिएटली कभी कैंसिल नहीं होती एग्रीमेंट से, 4 साल बाद जाके, मतलब जिस दिन चिट्ठी आई है 4 साल बाद जाके वो मेंबरशिप कैंसिल होगी, तो 4 साल तब भी तुम उसके पार्ट रहोगे। मतलब 4 साल तो बात तो हो ही जानी है ना, जिस दिन 4 साल पूरे हो गए उस दिन हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो पहला जो पार्ट बनना चाहती दोबारा 4 साल दे वेच फिर बन भी सकती है ना। तो अगर वो अपना क्या कहते हैं ये रेजिग्नेशन, मतलब जो क्विट करने का प्रपोजल था वो वापस लेना चाहे, वो वापस भी ले सकते हैं, ठीक है ठीक सर, है। सर ये कोई क्वेश्चन नहीं फिक्र होगी ना UNFCCC है ना, कि हाँ जी, तुम बिल्कुल वापस ले रहे हो या कुछ? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जब आना चाहो आ जाओ, जब तुम छोड़ के जाना चाहो चले जाओ, बस छोड़ने का ये है, छोड़ने को 4 साल बाद तुम क्विट करोगे जब तुमने लेटर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने को तुम इमिजिएटली कर सकते हो, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट में हम ना क्लाइमेट चेंज, जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे, हर कंट्री के अपना, जब उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया है, उससे 2 डिग्री नीचे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री, मतलब 2 डिग्री से भी ज्यादा राइज ना हो। लेट्स सपोज अभी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री है, ये 20 डिग्री तक ना पहुंचे या इससे ऊपर ना जाए, पहले तो ये कोशिश है। इससे भी बड़ी कोशिश ये की जाएगी कि ये 19.5 डिग्री तक ही रुक जाए, ठीक है। ताकि 2 डिग्री में भी बोला जाता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दुनिया में अगर 2 डिग्री भी एवरेज टेम्परेचर राइज हो गया, तो इसलिए कोशिश ये है कि 1.5 डिग्री पे रोक दिया जाए। पर नहीं भी होता तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है वो 2 डिग्री का सेट किया हुआ सेल्सियस में, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है, देखो इसमें ना कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, नो बाइंडिंग टारगेट्स, ट्रीटी के अपने अंदर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। इसने क्या किया है, हर पार्टी को अलाउ किया है कि वो अपने खुद के डिटरमाइन गोल्स बनाए, प्लान्स बनाए और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स बनाए और उसके बाद उनके ऊपर काम करे। पर वो कंट्री एम्बिशियस रहे, जैसे इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 35% तक बढ़ाने का सोचा हुआ है, तो हमने वो क्यों सोचा है, ताकि हमारी जो कोल से एमिशन है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर उससे फिर गर्मी होती है, वो कंट्रोल की जा सके, इसलिए हम सोलर पावर, विंड पावर, ये सब कुछ लगा रहे हैं। वो एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट में हम प्रॉमिस करके आए हुए हैं कि 100 गीगावाट तक सोलर पावर बनाने लगेंगे, ठीक है, 55 गीगावाट एडिशनली हम विंड पावर जोड़ेंगे, ऐसे करके हमने अलग अलग टारगेट सेट किए हुए हैं, क्लियर है। तो इसमें 2020-20 टारगेट है, इसका क्या मतलब है कि रिडक्शन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की बाय 20% जो अभी लेवल्स हैं, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बनाना है कम से कम 20% से बढ़ाना है, फिर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है 20% से। तो इंडिया इन सब के ऊपर काम कर रहा है, तभी जो अब आपके पिछले साल से नए एसी आने शुरू हुए हैं, उनपे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 24 डिग्री, इससे नीचे 24 डिग्री से अब नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं है, अब जो एसी आने शुरू हुए हैं, ठीक है, 24 डिग्री से नीचे टेम्परेचर ही नहीं जाता, वहीं जाकर रुक जाता है, वो ये मिनिमम टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि फिर एसी का बारी बारी कूलेंट ऑन नहीं होगा,
कूलेंट बार बार ऑन नहीं होगा तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी अपने आप वो 5 स्टार अपने आप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 24 डिग्री अचीव करना एसी के लिए जल्दी हो जाएगा और आसान होगा, इंस्टेड के 18 डिग्री 20 डिग्री उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है आपकी। तो ये सारी चीजें और भी, मतलब एसी तो वन ऑफ द एग्जांपल दिया मैंने, और भी जगहों पे ऐसे ही किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट होंगे, ये आपको स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन रही है और फर्स्ट वुमेन है, और मिक्स्ड रेस, ये दोनों फर्स्ट टाइम हो रहा है यूएसए की हिस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट के उसपे, ठीक है। वुमेन तो आज तक तो खैर बनी नहीं उनकी प्रेसिडेंट, तो पर ओबामा एक मिक्स रेस थे जो प्रेसिडेंट थे, अब आपके कमला हैरिसन भी, हैरिस आपकी फर्स्ट वुमेन, पहली बारी कोई वाइस प्रेसिडेंट उनकी वुमेन बन रही है। नेक्स्ट इज क्लोरोपाइरीफॉस, ये क्या होता है, ये केमिकल है बेसिकली, एक पेस्टिसाइड है जो क्रॉप्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, ये जो आपके टर्माइट्स होते हैं इन्हें मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है ना, ये वाली होती है। तो ये बेसिकली उनके जाके नर्वस सिस्टम पे जाके हिट करती है और उन्हें मार देती है। तो बेसिकली आपको बस इसका पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ इसका यूज आता है, या ये एनिमल्स को कहाँ हिट करती है, उनके नर्वस सिस्टम पे हिट करती है, ठीक है। हाँ जी उमेश जी बिल्कुल सही, जब क्या कहते हैं ओबामा प्रेसिडेंट थे तब आपके उनके वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स, किसी करंट अफेयर में कोई डाउट? नहीं तो एक बार इस सारी फाइल को रीड भी कर लेना, आपके पास पीडीएफ होगा, कोई डाउट भी हुआ वैसे भी पूछ लेना, ठीक है, थैंक यू।